नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IAS परीक्षा के लिए एसए की तैयारी कैसे करें। वैसे अगर आप IAS या किसी भी कम्पेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको वो सारे टिप्स, वो सारी बातें बताएंगे जो आपको एग्जाम क्लियर करने में सहायक होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के 9 पेपरों में से एक एसए पेपर है। इस पत्र में आपको 2 निबंध लिखने होंगे, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 1000 से 1200 शब्द लिखना होगा। आप दिए गए 4 टॉपिक्स में किसी भी एक टॉपिक को चुनकर लिख सकते हैं। निबंध पेपर कुल 250 अंकों का होता है, जिसमें 125-125 अंकों के 2 निबंध लिखने होंगे। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IAS मुख्य परीक्षा में निबंध के पेपर की तैयारी कैसे करें और निबंध कैसे लिखा जाए। तो पहले UPSC के लिए निबंध कैसे लिखें? इसके लिए बहुत आवश्यक है कि दिए गए टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपको 4 में से एक विषय चुनना होगा। अपने विषय का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आप दिए गए विषयों में उस विषय के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी तरह के टॉपिक नहीं लेने चाहिए जो स्त्रीवाद जैसे संवेदनशील या विवादास्पद विषय हो। ये ऐसे विषय होते हैं जिसके बारे में आप बहुत भावुक हो सकते हैं या दृढ़ता से महसूस करते हैं। इन टॉपिक्स पर आप उत्साहित हो सकते हैं और एक संतुलित निबंध लिखने में विफल हो सकते हैं, जिससे आपको अंकों का नुकसान हो सकता है। टॉपिक्स पर सोचने के लिए अपना समय लें। एक बार जब आप अपना टॉपिक चुन लेते हैं तो आपको सीधे लिखना शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कुछ समय के लिए सोचना और अपने विचारों को एकत्र करना जरूरी है। पेंसिल से उन बिंदुओं को लिखें जिन्हें आप लिखना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप केवल तभी सोच को सही क्रम में लिख सकते हैं जब आपके पास वो पॉइंट्स हो। तो उदाहरण के लिए, यदि आप उसके पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के बारे में लिख रहे हैं तो आपको शुरुआत में ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं को लिखना होगा। मान लें कि आप निबंध लिखना शुरू करते हैं और अंत में जाकर यह एहसास होता है कि एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना आप भूल गए हैं। ऐसे में स्पेस क्रंच के कारण इसे जोड़ने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए यदि आप शुरुआत में आपने सभी विचारों को समेट कर बिंदुवार लिखते हैं तो ये मदद करता है। तो एक बार जब आपने अपने निबंध के लिए स्ट्रक्चर बना लिया तो आप निबंध लिखना शुरू कर सकते हैं। एक अच्छे निबंध लिखने के लिए आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्टोरिकल पॉइंट्स, तीसरा मेन इशू या प्रॉब्लम या सब्जेक्ट, उसके बाद करंट सिनेरियो या करंट न्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों, फिर ऑब्स्टिकल्स और उसके बाद रिफॉर्म्स या वे फॉरवर्ड। तो इसके अलावा यदि आप इन पॉइंट्स को शामिल करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बनते हैं, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको अगर आप प्रसिद्ध हस्तियों के कोट्स को लिखें, और अगर आप प्रासंगिक सरकारी योजनाएं और नीतियां इनके बारे में लिखें, या कोई भी आंकड़े या संख्या वो अगर लिखें। हालांकि ये संख्या सटीक होनी चाहिए, या फिर अगर आपको श्योर नहीं है तो उनको शामिल मत कीजिए। और अब आपको मैं बताऊंगी कि लिखते समय क्या क्या ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, अपने निबंध में कभी व्यक्तिगत ना हो और ना ही किसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, एक्सट्रीम व्यूज को ना लिखें। तो यहाँ बुध का मध्य मार्ग आपकी सहायता कर सकता है, और केवल वर्तमान समस्या ही नहीं है बल्कि उनके संभावित सुधार और संभावित समाधान भी दें, और सरकार या प्रशासन की अत्यधिक आलोचना ना करें। और भले ही विषय उत्तेजक हो, लेकिन आपका निबंध उत्तेजक नहीं होना चाहिए। एक संतुलित चित्र प्रस्तुत करें। ध्यान रहे कि आप भविष्य के अधिकारी हैं, पत्रकार नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से IAS परीक्षा में निबंध लिखना है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करना है जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसे अवॉइड करनी है।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस सारी मिलती रहें। तो मेरे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।